हमारे सामने शैलेश रोही जी खड़े जो, और इनकी तारुफ में मैं क्या बोलूं कि फरसा रोड के नीचे आज जो भी हमारा फरसा रोड के आसपास में हमारी घाट पे जो भी काम हुए इन्हीं का देन है। मैं सर से बात करना चाहता हूं कि मिसाइल क्यों निकला और इसका क्या रीजन है। सर मिसाइल के बारे में कुछ बताइए। एक ही बात आपको सीधा बोलेंगे, पूरे देश की जनता त्रस्त है, महंगाई चरम पर। आज जो केंद्र में बैठे हुए मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब 400 रुपया गैस सिलेंडर का दाम होता था तो उनको लगता था हाय तौबा कितना बढ़ा दिया, आप सिलेंडर लेकर रास्ते पर उतरते थे। लेकिन आज के दिन घरों में आराम से मस्ती में 1000 रुपया सिलेंडर का दाम करके बैठे हैं। पेट्रोल डीजल आसमान पर, साग सब्जी चावल दाल हाहाकार मचा है। आप देख रहे हैं देश की हाल क्या है। लोगों के जेब में पैसा नहीं लेकिन जीना है। मान सम्मान बचाने के लिए लोग जो हैं सिर्फ मजबूरी में रास्ते पर भीख मांगने नहीं उतर रहे हैं। बस ये समझ लीजिए, इंसान जो है शर्मिंदा है ऐसे देश में प्रधानमंत्री को पाकर। और एक कहावत है, जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की प्रजा भिखारी। सर बीजेपी वाले लोगों का कहना है कि उनके प्राइम मिनिस्टर 24/7 काम करते हैं फिर भी महंगाई कम नहीं होती है, तो इसके ऊपर आप अपनी राय रख दीजिए। आप बताइए कि ये बीजेपी वाला है कौन, एक एक बीजेपी वाला बताइए जो आम लोगों के लिए खड़ा होता हो। ये खुद ही 24/7 घर में सोते हैं, इनको क्या पता कि उनका प्रधानमंत्री 24/7 क्या करता है। सर प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वैकेंसी कहाँ पे है सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए सब टैक्स लगाया उसने लेकिन बस एक जीभ पर टैक्स नहीं लगाया तो बोलने में पैसा लगता है। वो जो बोल रहे हैं करके दिखा रहे हैं, एक भी कहीं आपने सुना। और देखिए इस विशाल जुलूस को और अरूप राय के नेतृत्व में इस जन सैलाब को देखिए, और आपको मैं कहता हूँ जंगले खुले दिखेंगे आपको, लोग देखेंगे इस जुलूस। सीवीवी में बात करने के लिए आपके बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ইতিমধ্যে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ভাই কল্যাণ ঘোষ, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ভাই কৈলাস মিশ্র এবং মিছিলের যে সার্বক্ষণিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনার আমার আদরে সকলের প্রিয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী অরূপ রায় মহাশয়, এছাড়াও মিছিলে অংশগ্রহণ করছেন হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত